वाराणसी आज सारे छात्रों ने आरक्षण बचाओ पद यात्रा की रैली निकाली, जिसमें कि नरिया से शुरू हुआ पीएमओ ऑफिस कार्यालय जाकर ख़त्म हुआ, जिसमें कि सरकार से मांग करते हुए छात्राओं ने कहा कि सरकार की जल्दबाजी नहीं चलेगी, हमारी मांगें जो भी हों, नए कानून जो लगे हैं उनको हटाया जाए, उसी को लेकर हम सभी छात्र छात्राएँ सड़क पर उतर आए हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जिसमें कि मोदी और योगी जी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। वाराणसी से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट, लाइव अभी तक। हम लोग सड़क पर है और सरकार से मांग करते हैं जो हमारा अधिकार है, जो सामाजिक न्याय की संकल्पना है उसको सुनिश्चित करें, एक अध्यादेश लाए और हर सरकारी संस्थाओं पे, हर प्रशासनिक संस्थाओं पे, न्यायपालिका में जो हमको आरक्षण दिया गया है उसका हमारे अनुपात में मुझे प्रतिनिधित्व चाहिए। अध्यादेश सरकार हर चीज़ों के लिए अध्यादेश लाती है उसी टाइप को चाहिए, क्योंकि हम नहीं सह रहे, 1950 से हम सह रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, हमारा लेकिन हर बहाना बना के सरकार हमको प्रतिनिधित्व से दूर रख रही है। हमारी मांग है मनसा से कोई अध्ययन नहीं लाती है, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई व्यापक की जाएगी, क्योंकि सरकार का जो नया अध्ययन आया है, जो नए मूल्य आए हैं, जो नया कानून आया है वो सीधी तरह से कहता है कि आरक्षण विरोधी कानून है, उस कानून को सरकार को वापस ले, साथ ही साथ एक नियम ऐसा बनाए, एक अध्यादेश ऐसा लाए जो सभी के हित के लिए हो, सामाजिक न्याय की संकल्पना के हो और हमारे प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर रहा हो। इसके लिए हम लोग सड़क पर हैं, जिसमें सारे प्रतिनिधि भी हैं, सजग छात्र हैं, सभी हमारे साथ। आज आप ये रैली कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे? किराए से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक चल रही है। प्रधानमंत्री जी से हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब एक अध्यादेश लाइए और हमारे जो प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित करिए, और क्योंकि बहुत दिनों तक बताया जा रहा था कि आपका आरक्षण है, आपको इतने परसेंटेज है, लेकिन आज किसी कार्यालय में, किसी संस्थाओं में हमको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, हमारे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। और हमारा मांग है कि जितनी मेरी जनसंख्या है उसके हिसाब से अध्यादेश लाइए, क्योंकि अब हम नहीं सहेंगे, क्योंकि बहुत दिनों तक। सर क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC OBC को कितना नुकसान पहुँच रहा है? सर बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि एक तरह से जालसाजी के साथ हमारे अधिकारों को हनन करने की कोशिश की जा रही है, जो संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उसको एक तरह से चलने की कोशिश की जा रही है। हमारा मानना है कि क्योंकि एक मनवादी, एक न्यायपालिका भी मनवादी होगी, उस मनवाद को तोड़ने के लिए हम सब सड़क पर उतरे हुए हैं, जी भी सड़क पर है, हमारे हमारे जनप्रतिनिधि सड़क पर है, हमारे सभी हमारे गार्जियन सड़क पर है। इसी के साथ में हम लोग आगे की लड़ाई के व्यापक परियोजना